Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone, aaj ka jo hamara topic hai, that is that India has become the 13th member of OIML, जो कि आपके OIML certificates को जो है issue कर सकती है. इससे पहले OIML जो certificates हैं, ये बाकी बचे हुए 12 nations जो हैं, वो इसको issue कर सकते थे. अब India has become the 13th member of that particular group, जो कि आपके OIML certificates को issue कर सकता है. सवाल उठते हैं, OIML क्या चीज है, ये certificates क्या होते हैं, Why we need that measurement, जो समझोगे कि measurement का क्या मतलब है, Why we need that, plus साथ में वीडियो के एंड तक जाते जाते हम ये भी देखेंगे कि इसकी significance क्या है हमारे इंडिया के लिए, right? और ये जो particular topic है, that is relevant for your pre as well as your mains. जो वीडियो का आपको second half मिलेगा इसी के अंदर, that will concentrate more on your mains part. However, mains part का जो topic है, उसके अंदर से भी कुछ सवाल जो है वो pre में बन सकते हैं, statement based questions जो होते हैं. चलिए शुरू करते हैं. कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है दैट इंडिया कैन नाउ इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स. मेट्रोलॉजी, इसको मटेरियोलॉजी नहीं समझना है, इट्स मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना. जो आपके जैसे आप वेट करते हो किसी चीज को कि 1 kg क्या होगा, 1 kg एग्जैक्टली, और जो स्केल्स उसके हिसाब से बनेंगे उसकी कोई सर्टिफिकेशन होगी. मान लो अगर कोई एक इंडिया में कोई स्केल बन रहा है, राइट, स्केल इन द सेंस कि नापने वाला, जिससे आप नाप सकते हो चीजों को, तोल सकते हो बेसिकली. तो तोलने वाला अगर स्केल है तो 1 kg आपका तोल रहा है, तो बाहर वाली कंट्री उसे तभी मानेगी कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट आपका सही है, अगर उसके पास में OIML सर्टिफिकेट होगा. OIML स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं. इंडिया हैज नाउ बिकम द 13th कंट्री. बाकी 12 कौन सी कंट्रीज हैं आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए, थोड़ा सा सर्च कीजिए इसके बारे में. Just to let you know, USA इसका पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अमंग दी 13 कंट्रीज. Why? बिकॉज US मेट्रिक सिस्टम पे नहीं है. वो जो वेट है वो केजी में नहीं नापता, वो पाउंड्स में नापता है, राइट. उनका एक अलग सिस्टम है, राइट. वो टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज जो क्लास जो है वो ढूंढ सकते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगी. क्या है ये OIML? इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जो कि आपके 1955 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, राइट. और इंडिया जो है वो इसका 1956 के अंदर मेंबर बन गया था, सेम ईयर दैट इंडिया साइन दी मेट्रिक कन्वेंशन, कि हम लोग जो है लेंथ को मीटर्स में नापेंगे और उसके मल्टीपल्स में, किलोमीटर वगैरह में, लेंथ को मीटर्स में नापेंगे, है ना, और हम जो वेट है वो ग्राम्स और उसके मल्टीपल्स में नापेंगे. ये वो मेट्रिक कन्वेंशन, वो कन्वेंशन है, राइट. ये क्या करती है ये पर्टिकुलर बॉडी? इट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है जी. तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं उसकी ये पर्टिकुलर बॉडी है. तो अब जो इंस्ट्रूमेंट्स इसके हिसाब से बनते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्टिव देखिए इसका, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं. टू हार्मोनाइज नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. कौन कौन से, जैसे कि आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट, इसकी मेजरमेंट सही होनी चाहिए. इसके अलावा आपके अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, जिसके आपके ड्रिंक ड्राइविंग के जो चलान होते हैं, ड्रंक ड्राइविंग के, ड्राइविंग एंड DUI, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के चलान होते हैं वो, उसके एनालाइजर, रडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, शिप टैंक्स एंड पोर्ट्स, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स, कि 1 liter ही दे रहा है वो, तो उसका जो मशीन है उसका सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, राइट. तो वो सर्टिफिकेशन आपकी OIML की सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है जी. 3 पार्ट्स में है ये बच्चे, कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स की. एक OIML इशूइंग अथॉरिटी, कि कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सर्टिफिकेट इशू कर सकती है. यूटिलाइजर्स, उस सर्टिफिकेट को यूटिलाइज कौन कर सकता है. तीसरा इज योर एसोसिएट्स, जो कि आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स होते हैं, जो कि उसकी इवैल्यूएशन को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर है, है ना. किसी इंस्ट्रूमेंट में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे, कंपलसरी नहीं है उनके लिए उन कंट्रीज के अंदर, बट दे कैन यूज इट फॉर बेटर मैनेजमेंट मेजरमेंट, तभी ये हमारा रेलिवेंट है टॉपिक आज का. और जो इशूइंग अथॉरिटीज है, दे मस्ट कंप्लाई विद द ISO IEC 17025. नाउ ISO जो है हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये आपकी 1947 के अंदर आई थी. अगेन जस्ट अ स्मॉल ट्रिविया, नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे. इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वीडियो, मैं आपको बहुत ग्लांस, बहुत स्लाइड करते हुए मैं इसमें से निकल जाऊंगा. आप अगर चाहें तो आप वीडियो पॉज करके जो डिटेल में लिखा है आप वो भी जो है पढ़ सकते हैं वहां पे. आइए बच्चे, नंबर 1, ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और एम्प्लॉयमेंट
इन सबको इंक्रीज करेगा। अब जो हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरर है राइट, इसको कहीं बाहर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया में सर्टिफिकेशन उसको मिल जाएगी और बड़े प्यार से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स को राइट। दूसरा, नेबरिंग कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा, नेबरिंग मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगा कि यहां पे आओ, यहां सर्टिफिकेशन ले लो। एक प्लान है कि हम स्पेशल मिनिस्ट्री यूनिट, एक अलग से मिनिस्ट्री बना देंगे मेजरमेंट के लिए, जो कि इंटरनेशनली इस चीज को पब्लिसाइज करेगा और इंडिया को हब बनाएगा मेजरमेंट के लिए राइट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के सर्टिफिकेशन के लिए राइट बच्चे। अगेन इसको हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग लैब्स, जो इंडिया में टेस्टिंग लैब्स है वो भी अपग्रेड होंगी अब, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने हैं तो आपको लैब भी अपग्रेड करनी होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट सेव होगी, सर्टिफिकेशन पहले बाहर से लेनी थी अब आप यहीं पे ले सकते हो राइट, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी थोड़ी सी मिटिगेट होगी। OIML की पॉलिसीज की स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए उसके ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस आएगा, इट इज वन ऑफ द 13 कंट्रीज आफ्टर ऑल राइट बच्चे। अदर OIMLs को ये जो है फैसिलिटेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी इंडिया में, रिडक्शन इन रिडंडेंसी एंड सेविंग ठीक है जी। दूसरा इज ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट प्रोसेस, तो अगेन ये वहीं पर इवॉल्व कर रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो भी इसके अंदर जो है इंक्रीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु IAS करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.